हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एसएससी दिल्ली पुलिस व अन्य परीक्षाओं के लिए। पहला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2010 में नई शीट को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? इसमें ऑप्शन है फर्स्ट शिफ्ट प्लस अलर्ट प्लस F11, शिफ्ट प्लस अलर्ट प्लस F12, F10 या F1। तो सही आंसर है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F1। ठीक है भाई, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F1 किसके करने के लिए? नई शीट को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो शिफ्ट प्लस अलर्ट और शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F1। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग केवल ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? ये किस प्रोटोकॉल का उपयोग केवल ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? ईमेल भेजने के लिए किया जाता है SMTP का उपयोग। चलिए अगला देखते हैं, एमएस एक्सेल में क्या क्या डेटा टाइप किया जा सकता है? एमएस एक्सेल में क्या क्या डेटा टाइप किया जा सकता है? डेटा, डेट, टाइम या नंबर या उपरोक्त सभी? इसका आंसर है उपरोक्त सभी। हम एमएस एक्सेल में सभी चीजें, डेट हो, टाइम हो या नंबर हो, सब कुछ टाइप कर सकते हैं। एमएस वर्ल्ड 2010 में मेलिंग लिस्ट को किस नाम से जाना जाता था? 2010 में एमएस वर्ल्ड 2010 में मेलिंग लिस्ट को किस नाम से जाना जाता था? डेटा सोर्स के नाम से जाना जाता था, डेटा सोर्स के नाम से जाना जाता था। किस प्रकार की फाइलें ईमेल अनुसंलग्न के माध्यम से भेजी जा सकती हैं? यानी जो हम ईमेल भेजते हैं उसमें किस किस प्रकार की फाइल हम भेज सकते हैं? भाई यही तो पूछ रहा है कि भाई जो हम ईमेल भेज रहे हैं उसमें हम कौन कौन सी फाइल भेज सकते हैं। ठीक है भाई, तो केवल पाठ फाइलें, केवल ऑडियो फाइलें, केवल वीडियो फाइलें या उपरोक्त सभी? ठीक है भाई, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। सभी प्रकार की फाइलें हम ईमेल में भेज सकते हैं, चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो या पाठ फाइलें हो, यानी चैप्टर हो किसी के, हम सभी कुछ इसमें भेज सकते हैं। अगला, जब किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी किया जाता है तो वह टेक्स्ट कहा जाता है? जब हम कोई टेक्स्ट लिखा हमारा, उसे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे या कट करेंगे, क्या करेंगे, तो क्या इस टेक्स्ट को क्या कहेंगे? नोटपैड में, वर्ड पैड, क्लिपबोर्ड, एमएस प्रिंटर, क्लिप बोर्ड, उस टेक्स्ट को कहा जाता है जो कट या कॉपी करते हैं उसे कहा जाता है क्लिप बोर्ड। वेब ब्राउजर में जहां URL इंपोर्ट किया जाता है उसे कहते हैं, जहां URL लिखा जाता है उसे कहते हैं टाइटल बार, टास्क बार, मेन्यू बार या एड्रेस बार। ठीक है भाई, उसे कहेंगे हम एड्रेस बार। अगला, चलिए, एमएस वर्ल्ड में टेबल में
कॉलम के बीच की दूरी कम से कम कितनी होती है? 1.1, 1.6, 1.5 या 0.5? तो उसकी दूरी होती है 0.5। कितनी दूरी होती है भाई? 0.5 दूरी होती है। इंटरनेट का उपयोग सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में किया जाता है? मनोरंजन, व्यापारिक, शिक्षा या सभी? आंसर होगा सभी क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। चलिए, खालिस्तान को आसानी से इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों को फैलाया जा सकता है। इस तरह के हमलों से अपना सिस्टम क्रैश हो सकता है या आपका महत्वपूर्ण डेटा डिलीट हो सकता है। वायरस, चैट, सर्च या ईमेल? वायरस से। जब आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में या फोन में किसी तरह का वायरस इंसर्ट हो जाएगा तो आपका डेटा करप्ट हो जाएगा और वो किसी भी तरह की कोई रेस्पॉन्स नहीं करेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।